उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जहां शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। गोरखपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे सीएम, जहां राम मंदिर निर्माण की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा फिलहाल ये माना जा रहा है, जहां गोरखपुर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, उसके बाद अयोध्या के लिए भी रवाना होंगे, जहां अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन आने वाले समय में होना है। और ऐसे में फिलहाल अभी जो रूपरेखा है उस कार्यक्रम की, यहां पर तमाम जो कार्यक्रम है उसमें पीएम मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, उसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर रही है। और ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले किस तरह की तैयारी यहां पर की गई है उसका जायजा भी लेंगे। तो बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां दीपोत्सव और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर में किस तरह से यहां पर काम किया जा रहा है निर्माण को लेकर, उसका भी निरीक्षण यहां पर सीएम की तरफ से किया जाएगा। हालांकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे, जहां तमाम बड़ी सौगातें यहां पर सीएम की तरफ से दी जा सकती हैं। और ऐसे में गोरखपुर में का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वहां एक समीक्षा बैठक की जाएगी और आगामी त्योहारों को लेकर किस तरह से यहां पर तैयारी प्रशासनिक अमले की देखी जा रही है उसको लेकर भी एक समीक्षा बैठक की जा सकती है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि अयोध्या के लिए जब रवाना होंगे तो तमाम जो दिग्गज होंगे वो इस दौरान अगवानी करते हुए सीएम की नजर आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जो आगामी त्योहार है उसकी यहां पर जो भी कार्यक्रम राम मंदिर में होने हैं रामनगरी में, उसको लेकर किस तरह से भव्य तरीके से यहां पर किया जा सकता है, यहां पर तैयारियों का जायजा सीएम की तरफ से लिया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज है, गोरखपुर से अयोध्या के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि दीपोत्सव और पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, राम मंदिर के निर्माण की समीक्षा भी सीएम की तरफ से की जाएगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहले गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर के बाद तमाम बड़ी सौगातें जब गोरखपुर वासियों को दी जाएगी उसके बाद अयोध्या दौरे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में आपको बता दें कि दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो राम की नगरी में यहाँ पर भव्य तरीके से आयोजन यहाँ पर किया गया है। ऐसे में तमाम कार्यक्रमों में शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे और आने वाले समय में आपको बता दें कि पीएम का जब आगमन होगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपनी मौजूदगी भी यहाँ पर दर्ज कराएंगे। और ऐसे में अयोध्या दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ इसी वजह से पहुंचे हैं, जहाँ तमाम दिग्गज भी और मौजूद रहेंगे, बीजेपी कार्यकर्ता भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही राम नगरी में निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है उसकी समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम के आगमन से पहले तमाम तरह की तैयारियों पर सीएम ने नेहा नजर बनाई हुई है कि इस तरह से रूपरेखा यहां पर तैयार करनी है सभी कार्यक्रम की, क्योंकि पीएम मोदी आपको बता दें कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमान गढ़ी भी जाएंगे और इसके साथ ही सरयू घाट पर जो आरती होनी है वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही कयास अभी यही लगा जा रहे हैं कि पीएम मोदी की तरफ से अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात आने वाले समय में दी जा सकती है, इसलिए पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के इस अवसर पर अयोध्या आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासुदेव यादव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वासुदेव, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है, हालांकि पहले वो गोरखपुर के लिए रवाना होंगे, उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे। किस तरह के कार्यक्रम यहां पर रखे गए हैं, क्या कुछ अयोध्या में रहने वाला है? जी जी ऋतु, बताना चाहेंगे लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री जी अयोध्या आएंगे और उनका उड़न खटोला हेलीकॉप्टर अयोध्या नया घाट रामकथा पार्क में उतरेगा और वहां से वो सीधे जाएंगे साकेत डिग्री कॉलेज पे, जहां पे हेलीपैड बन रहा है और जहां पे प्रधानमंत्री का 23 अक्टूबर को आगमन होगा। वहां पे जाएंगे, हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे और वहां पे देखेंगे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद वो सीधे रामलला के परिसर में आएंगे, भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है उसका अवलोकन करेंगे। साथ ही जो वहां के ट्रस्ट के लोग हैं और जो निर्माण कार्यकर्ता इंजीनियर हैं
कंपनी के, उनसे भी वार्तालाप करेंगे और इसके बाद सीधे हो जाएंगे राम की पैड़ी जहां पे दीपोत्सव होगा। इस बार जो दीपोत्सव हो रहा है उसमें 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे, प्रधानमंत्री का भी इसमें आगमन होगा। इसके साथ ही वहां पे सरयू तट पे जहां पे दीपोत्सव का आरती होता है वहां पे जाएंगे। इसके उपरांत वे रामकथा पार्क में जाएंगे क्योंकि वहां पे भगवान 23 तारीख को जब भगवान पुष्पक विमान से भगवान श्री सीताराम आएंगे तो वहां पे राम राज्याभिषेक का आयोजन होगा, उसका अवलोकन करेंगे। और देर शाम लगभग 2:30 बजे वे दीपोत्सव से संबंधित समीक्षात्मक अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे रामकथा संग्रहालय में। उनका जो प्रोग्राम है यहाँ पे लगभग 3 घंटे का प्रोग्राम है और 11 बजे यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल, क्या पूरे कार्यक्रम की यहाँ पर जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है? ऐसे में कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या आगमन होने जा रहा है? जी जी, बता दें अयोध्या जनपद के जो आला अधिकारी हैं ये इसमें शामिल रहेंगे। अयोध्या जो भाजपा के सांसद हैं ललू सिंह भी शामिल रहेंगे, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो शामिल रहेंगे, अयोध्या के नगर निगम के ये रहेंगे और जो भी अधिकारी हैं संबंधित वे सब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ क्या और भी कोई महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर सकते हैं? क्योंकि एक समीक्षा बैठक भी यहां पर होने जाएगी और इस बीच राम मंदिर में निर्माण कार्य किस तरह से यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है भव्य तरीके से, उसकी भी समीक्षा यहां पर की जा सकती है। जी जी बिल्कुल, अयोध्या में दीपोत्सव जो है इस बार 17 लाख दीपक जलाए गए, इसलिए भव्य प्रोग्राम है और काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 तारीख को आ रहे हैं, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है वो और दीपोत्सव दोनों को लेकर यहाँ पे समीक्षात्मक मीटिंग मुख्यमंत्री जी करेंगे। बिल्कुल वासुदेव, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। अब बात एक बार फिर से अयोध्या नगरी की करेंगे, जहां पर पुराने सरयू पुल पर आपको बता दें कि रास्ते को बैरिकेटिंग लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस पुल को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद किया गया है। इसके साथ ही इसी पुल के बीचों बीच आतिशबाजी का भी कार्यक्रम 23 अक्टूबर को किया जाएगा, जहां कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। अयोध्या के पुल से आतिशबाजी होगी, जिसके चलते अभी से ही पुल पर तैयारियां चल रही है। इसके चलते अयोध्या के पुराने सरयू पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बता दी कि अयोध्या का पुराना सरयू पुल अयोध्या और गोंडा जिले को जोड़ता है, इसी रास्ते से लोग आते जाते थे, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। अब जिनको अयोध्या से गोंडा जाना है या फिर गोंडा से अयोध्या आना है, अयोध्या के नए सरयू पुल हाईवे से आ जा सकते हैं। में है और जहां पे खड़े हैं अयोध्या का पुराना सरयू पुल है, आप वीडियो में अच्छी तरह देख सकते हैं। पुराने सरयू पुल को बैरिकेटिंग लगाकर बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां पे दीपोत्सव का आयोजन है और इसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कई राष्ट्र के अन्य लोग आ रहे हैं। इसके चलते पुराने पुल को बंद कर दिया गया है। बता दें कि ये जो पुराना पुल है अयोध्या और गोंडा जनपद को आपस में जोड़ता है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बंद किया गया है और यहाँ पे कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, इस संदर्भ में भी इसको बंद किया गया। आप इसमें देख पा रहे होंगे आगे जो दिख रहा है वहाँ पे आतिशबाजी होगा, पुल जो पुराना पुल है यहाँ से आतिशबाजी होगा, रंग बिरंगे यहाँ पे पटाखे दागे जाएंगे जब प्रधानमंत्री जी आएंगे 23 तारीख को, जब मुख्य दीपोत्सव का पावन पर्व होगा तो यहीं से पुराने पुल से ही आतिशबाजी होगा और उसकी तैयारियाँ चल रही। इसी संदर्भ में आज इस पुल को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते जो अयोध्या से गोंडा जाना चाहते हैं, गोंडा से अयोध्या आ रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके लिए जो नया पुराना सरयू पुल बनाया गया है वो नए पुल से आ जा सकते हैं। जनता टीवी के लिए अयोध्या से वासुदेव।